देखा जाए तो हर व्यक्ति के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यानी जीवन बीमा बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन यदि बात की जाए इसके खरीदने की तो आप किसी भी व्यक्ति से यदि कहो कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए ताकि आपका परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे, तो इस कंडीशन में हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपको मना ही करे। यानी यदि आप किसी भी व्यक्ति से जीवन बीमा के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात करोगे तो आपको ज़्यादातर कंडीशन में लोग मना ही करेंगे। लेकिन फिर भी एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र होने के नाते आपका जो मकसद है वो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का। तो यदि आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आपको किसी भी व्यक्ति से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यानी जीवन बीमा खरीदने के बारे में बात करना ही नहीं है। आपको जो बात करना चाहिए वो करना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस उस व्यक्ति को समझाने के लिए। यानी आपको कुछ इस तरह की बातें करना है जिससे कि उस व्यक्ति को अंदर से एहसास हो कि नहीं यार, जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, जो जीवन बीमा है, वो उसके परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप देखा जाए कि यदि उस व्यक्ति को अंदर से एहसास हो जाता है कि नहीं यार, जीवन बीमा उसके व उसके परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो व्यक्ति बहुत ही आसानी से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यानी जीवन बीमा आपसे खरीद लेगा। तो यदि आप किसी व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस बताना चाहते हैं, जीवन बीमा का महत्व बताना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको जो बातें सुनने को मिलेंगी उन बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और किसी भी व्यक्ति को आप जीवन बीमा का महत्व बताना चाहें तो वहां पर आप यही बातें करके बहुत ही आसानी से उसे जीवन बीमा का महत्व बता पाएंगे, जिससे कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ही आसानी से बिक जाएगी। तो आइए अब देख लेते हैं कि वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो बातें आप किसी भी व्यक्ति से करके उसे इंश्योरेंस के प्रति अवेयर कर सकते हैं, यानी जीवन बीमा के प्रति जागरूक कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई बीमा एजेंट आता है और जीवन बीमा के बारे में बात करता है और आप उसे मना कर देते हो, आप उससे कहते हो कि मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं चाहिए, और देखा जाए तो आपके मना करने का जो एक कारण होता है वो ये होता है कि जीवन बीमा का नाम सुनकर आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको यही लगता है कि यार, अभी तो मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, मुझे बीमे की क्या हो सकता, मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, मेरे और मेरे परिवार के सारे खर्चे मैं अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूँ, बच्चे को अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ, सभी काम तो मेरे बहुत अच्छे से मैनेज हो रहे हैं, तो फिर मैं जीवन बीमा क्यों लूं, और वैसे भी थोड़ा बहुत पैसा तो मैं इधर उधर बचा ही रहा हूं जो मुझे वक्त बे वक्त काम आ जाता है। तो देखा जाए तो मुझे किसी भी तरह जीवन बीमा की आवश्यकता नहीं है, और वैसे भी जीवन बीमा खरीदने से मुझे या मेरे परिवार को किसी भी तरह की खुशी थोड़ो ना मिलेगी, और मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जीवन बीमा का नाम सुन के, मैं तो जीवन बीमा कभी नहीं खरीदूंगा। तो देखा जाए तो आप बिल्कुल सही हो, यदि आपको जीवन बीमा खरीदने में खुशी नहीं मिलती है तो आप बिल्कुल सही हो, आपको जीवन बीमा नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हो सकता है जीवन बीमा खरीदते समय आपको अभी खुशी ना मिले, आज आपको बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, लेकिन जीवन बीमा ना लेने की वजह से आपके परिवार की जो खुशियां हैं वो नष्ट हो सकती है। क्योंकि भैया देखा जाए तो आज जो आपका परिवार है, आपने कहीं ना कहीं उनकी एक जीवन शैली बना दी होगी। यानी आप जो भी हर महीने पैसा कमाते हो, 20-25 हजार रुपए जो भी आपकी तनख्वाह, उन पैसों से आप अपने परिवार के सारे खर्चों की व्यवस्था कर देते हैं। उसमें आपके बच्चे की स्कूल की फीस आ गई, घर का किराया आ गया, इसके अलावा खाने पीने के खर्चे, मेडिकल के खर्चे, यानी जितने भी छोटे बड़े खर्चे हैं वो सारे खर्चे आपके द्वारा कमाए गए पैसे से मैनेज हो जाते हैं। और भैया ये भी सच बात है कि जब आप ये पैसा कमा कर लाते हो और अपने परिवार में खर्च करते हो तो आपको खुशी भी मिलती होगी, क्योंकि आप इन पैसों से कुछ ऐसी चीजें भी लेते हो जिससे आपका परिवार खुश होता है, और आपका परिवार खुश होता है तो आपको भी खुशी मिलती है। लेकिन भैया देखा जाए तो ये तो ही आपके रहने की बात, लेकिन भैया भगवान ना करे, जीवन है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी घट सकता है। यदि आपके साथ कभी कुछ अनहोनी हो जाती है, आपके जीवन का अंत हो जाता है, तो देखा जाए तो आपके द्वारा जो कमाया गया पैसा आपके परिवार में आता था ये तो आना बंद हो जाएगा। तो देखा जाए तो आपके परिवार की जो खुशियां हैं वो पूरी तरह नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जिस भी जगह पर आपने अपने परिवार को पहुंचाया होगा, जो भी सुख सुविधाएं आप देते होंगे, वो सारी की सारी सुख सुविधाएं अब उनको कौन देगा, क्योंकि आपके द्वारा कमाया गया पैसा जो हर महीने आपके परिवार को मिलता था वो तो मिलना बंद हो जाएगा। एक मोमबत्ती का दिया दो चीजें देता है, एक रोशनी और एक गर्मी। उसी तरह से आपका होना आपके परिवार में दो तरह की सुरक्षा देता है, एक आर्थिक, एक भावनात्मक। दिए के बुझ जाने पर दोनों ही चीजें गायब हो जाती हैं, रोशनी और गर्मी। उसी तरह से आपके ना रहने पर आपके परिवार से दोनों ही तरह की सुरक्षा खत्म हो जाती है, एक आर्थिक, एक भावनात्मक। अब देखा जाए तो आपके परिवार में जो आपकी भावनात्मक कीमत है इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि आप आपके परिवार के लिए अनमोल हो, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन यदि देखा जाए जो आपके परिवार में आपकी आर्थिक कीमत है इसकी पूर्ति की जा सकती है। यानी आपके परिवार में जो आप पैसा हर महीने कमाकर लाकर देते थे जिससे कि सारे खर्चे बहुत अच्छे से मैनेज हो पाते थे, उसकी पूर्ति की जा सकती है। और यदि बात की जाए कि आर्थिक सुरक्षा की पूर्ति किस तरह से की जा सकती है, तो इसकी पूर्ति सिर्फ एक ही चीज से की जा सकती है जिसका नाम है इंश्योरेंस पॉलिसी यानी जीवन बीमा।
देखा जाए तो आज आपके पास जो इनकम आने का रास्ता होगा वो एक ही रास्ता होगा, लेकिन उस इनकम को खत्म करने के जो रास्ते होंगे वो बहुत सारे होंगे। जैसे आपके बच्चों की स्कूल की फीस हो गई, आपके घर के जो भी बिल वगैरह होते हैं, इसके अलावा आपके घर के खाने पीने के खर्चे, आपके मोबाइल के खर्चे, इसके अलावा आपके घर परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो उसमें जो भी आपका पैसा खर्च होता है, इसके अलावा यदि आपके घर परिवार में रिश्तेदार में कोई शादी आ जाती है तो उसमें भी आपका पैसा खर्च होता है। तो देखा जाए तो इनकम एक रास्ते से आती है, लेकिन उसके जाने के रास्ते बहुत सारे हैं। लेकिन देखा जाए तो बात ये नहीं है कि इनकम आपके पास एक रास्ते से आती है और कई रास्तों से खत्म हो जाती है। एक बहुत बड़ी बात है वो ये है कि चलो आज तो आपकी इनकम आती है, आपकी उम्र 20-25-30 साल की है, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वहां से आपके पास इनकम आ जाती है और फिर उस इनकम को आप कई रास्तों से खर्च कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आज से कुछ साल बाद, यानी जब आपकी उम्र 50-60 साल की होगी, तो उस समय देखा जाए तो ये जो इनकम आने का रास्ता है ये पूरी तरह बंद हो चुका होगा, यानी इनकम आपके पास नहीं आएगी। लेकिन जो ये खर्चे के जो रास्ते हैं, खाने पीने के खर्चे, घूमने फिरने के खर्चे, ये मेडिकल वगैरह के खर्चे, इसके अलावा जो भी आपके शौक मोज के खर्चे हो, यानी छोटे से छोटे बड़े से बड़े जो भी आपके खर्चे हैं वो आपको आगे भी लगेंगे ही लगेंगे। कुछ खर्चों के नाम बदल जाएंगे लेकिन आपको आपके आगे का जीवन जीने के लिए पैसा तो लगेगा ही लगेगा, और देखा जाए तो आपकी इनकम बंद हो चुकी होगी, तो आप कैसे मैनेज करोगे? और देखा जाए तो ये कंडीशन आपके जीवन में आना ही आना है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति जीवन भर हट्टा कट्टा रहे, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हर उम्र में आप पैसा कमा ही पाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जिस समय आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा, आप चाहकर भी मेहनत नहीं कर पाओगे, और जब आप मेहनत नहीं करोगे तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? तो देखा जाए तो पैसा तो नहीं आएगा लेकिन आपके पास खर्चे तो बने रहेंगे। तो इस कंडीशन में आपको कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, कभी सोचा है आपने? तो यदि आप इन समस्याओं से बचना चाहते हैं, अपने रिटायरमेंट को यानी अपने बुढ़ापे को पूरी तरह से आर्थिक रूप से सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इसके लिए जो एक बहुत अच्छा उपाय है, बहुत अच्छा समाधान है, तो जो समाधान है वो ये है कि आज ही आपको एक पेंशन प्लान ले करके अपने रिटायरमेंट को यानी बुढ़ापे को पूरी तरह से आर्थिक रूप से सुरक्षित कर देना चाहिए। यानी जब आपके पास इनकम आने बंद हो जाएगी उस समय यदि आज आप पेंशन प्लान लेके रख लेते हैं तो उस समय आपको हर महीने पैसा मिलता रहेगा, जिससे कि आपके आगे के जो भी खर्चे होंगे उसे आप बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकेंगे। तो देखा जाए तो हर कंडीशन में आपकी इनकम को सुरक्षित रखने के लिए, अपने रिटायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए आपको आज ही एक इंश्योरेंस पॉलिसी पेंशन प्लान के हिसाब से ले लेना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए यदि आप पेंशन प्लान लेते हैं तो इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको यही मिल जाता है कि यदि आप इस दुनिया में रहोगे तो रिटायरमेंट में आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन भगवान न करे यदि बीच में आपके साथ कभी कुछ सुख दुख हो जाता है तो उस कंडीशन में आपके परिवार को एक बहुत अच्छा अमाउंट मिल जाएगा, जिससे उन्हें कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो उसी तरह से अपने खर्चों को मैनेज कर सकेंगे जिस तरह से आपके रहने पर करते थे। क्योंकि देखा जाए तो इस कंडीशन में भी आपकी इनकम बंद हो जाएगी लेकिन जो ये खर्चों के रास्ते हैं आपके परिवार के ये बंद नहीं होंगे, पैसा तो इस कंडीशन में भी लगेगा ही लगेगा। तो देखा जाए तो यदि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए पेंशन प्लान ले लेते हैं तो आपको दोनों तरफ बेनिफिट मिलता है, यदि आप हो तो आपके रिटायरमेंट की व्यवस्था हो जाएगी और यदि आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो आपके परिवार को किसी तरह की आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आपको फिल्में देखने का शौक होगा तो आपने दो मूवी तो देखी होगी, पहली अमिताभ बच्चन की बागबा मूवी और जो दूसरी है वो है राजेश खन्ना की अवतार मूवी। और देखा जाए तो दोनों ही मूवी हर व्यक्ति को एक बहुत अच्छा संदेश देती है। वो संदेश ये है कि हर व्यक्ति को अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना चाहिए, पैसा बचाना चाहिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति रिटायरमेंट के लिए पैसा नहीं बचाएगा तो उसे अपने बुढ़ापे में किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए तो आज आप जो भी इनकम कमाते हो उससे आप अपने खर्चे पूरे कर लेते हो, यानी आज आपका जो भी खुद का खर्चा होगा 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 उसे आप बहुत ही आसानी से मैनेज कर लेते हो, क्योंकि आप एक इनकम कमाते हो हर महीने जिससे आपके खर्चे मैनेज हो जाते हैं। लेकिन आज से कुछ साल बाद जब आपकी उम्र 50-60 साल की होगी तो उस समय हो सकता है आपका शरीर इतना साथ ना दे, आप आज की जितनी इनकम ना कमा पाओ, लेकिन आपको खर्चे तो लगेंगे और हो सकता है उस समय जो आपको खर्चे लगे आज से ज्यादा ही लगे, क्योंकि रिटायरमेंट में यानी हमारे बुढ़ापे में जो हमारे मेडिकल के खर्चे होते हैं ये भी काफी ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। तो देखा जाए तो आपके पास खर्चे तो होंगे लेकिन जो आपकी इनकम होगी वो बहुत कम होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी, यानी आपके पास पैसा नहीं होगा, तो आपको कितनी सारी समस्याओं का सामना करना
करना पड़ेगा, कभी सोचा है आपने? और ज्यादातर कंडीशन में ये देखा गया है कि जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो जिनके पास पैसा नहीं होता उन्हें किसी न किसी पर डिपेंड होना पड़ता है और एक एक पैसे के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। और जब किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना घटती है तो उसे अपना पूरा जीवन याद आ जाता है और कहीं ना कहीं उसे बहुत अफसोस होता है कि यार मैंने पैसा तो बहुत कमाया और बहुत खर्च भी किया लेकिन मैंने अपने बुढ़ापे के लिए पैसा क्यों नहीं बचाया। तो देखा जाए तो ये अफसोस कभी भी किसी के मन में ना आए, इसीलिए उसे अपने रिटायरमेंट के लिए यानी अपने बुढ़ापे के लिए पैसा बचाना चाहिए। आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर को, एक बीमा एजेंट को इंतजार करवा सकते हैं, उसे मना कर सकते हैं कि मुझे बीमा पॉलिसी नहीं चाहिए, लेकिन क्या आप अपनी बढ़ती उम्र को, बीमारी को या विकलांगता को व डेथ को इंतजार करवा सकते हैं? नहीं, ऐसा असंभव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपकी उम्र है वो दिन पे दिन बढ़ना ही बढ़ना है, आप इसे नहीं रोक सकते हैं। इसके अलावा बीमारी हुई, विकलांगता हुई, डेथ हुई, इसका कोई समाधान नहीं है। ये जो घटना है किसी भी दिन किसी भी व्यक्ति के साथ घट सकती है और देखा जाए तो इस बात को आप भी बहुत अच्छे से मानते हो कि ये जो चीजें हैं कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ घट सकती हैं, क्योंकि बीमारी का कोई भरोसा नहीं है। कब किस व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो जाए कोई नहीं जानता, कब किस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए और वो विकलांग हो जाए किसी को भी इस बात का पता नहीं होता। और देखा जाए यदि डेथ की बात की जाए तो आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि ये जो डेथ ऐसी चीज है कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकती है, चाहे वो एक्सीडेंट से हो चाहे सामान्य डेथ हो, यानी ये जो तीनों ही घटना मैंने आपको बताई है आपके साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी घट सकती है। और यदि बात की जाए बढ़ती उम्र की तो ये तो दिन पर दिन बढ़ते ही जाना है, तो देखा जाए तो इन चारों को तो आप नहीं रोक सकते, इन्हें तो आप इंतजार नहीं करवा सकते, लेकिन आप एक बीमा एजेंट को इंतजार करवा सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बीमा एजेंट को यानी एक इंश्योरेंस एडवाइजर को इंतजार करवाना बहुत गलत बात है, क्योंकि यदि कोई इंश्योरेंस एडवाइजर आपके पास आता है तो देखा जाए तो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको बेचने तो आया है लेकिन उसमें देखा जाए सबसे ज्यादा जो फायदा है वो आपका ही है, क्योंकि दो पल के लिए आप ही सोच के देखो, आज आप जो भी काम करते हो उससे जो भी इनकम कमाते हो उससे ही आपके घर के जो भी छोटे बड़े खर्चे हैं वो सारे खर्चे मैनेज होते हैं, चाहे वो बच्चों की स्कूल की फीस हो, घर के मेडिकल वगैरह के खर्चे हो, खाने पीने के खर्चे हो, वह घर का जो किराया होता है, यानी देखा जाए तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी खर्चा है आपके घर का वो आपके द्वारा कमाए गए पैसे से ही पूरे होते हैं। लेकिन कल यदि आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो उस कंडीशन में आपके परिवार में जो पैसा आता था जो आप कमा के लाकर देते थे ये पैसा आना बंद हो जाएगा, और जब ये पैसा आना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके घर के जो खर्चे हैं वो भी बंद हो जाएंगे, नहीं, खर्चे कभी बंद नहीं होते। तो देखा जाए तो आपके घर में पैसा आना बंद हो जाएगा लेकिन खर्चे बंद नहीं होंगे, तो इस कंडीशन में आपके परिवार को कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा कभी सोचा है आपने? हो सकता है आपके बच्चों की जो स्कूल हैं वो छुड़वा दी जाएं, आपका परिवार आज जिस भी किराए के मकान में रहता है हो सकता है उस मकान को बदलना पड़े, किसी छोटे मकान में रहना पड़े, बच्चों का स्कूल बदलवाना पड़ जाए, यानी देखा जाए तो आपके रहते हुए आपके परिवार को जो भी आपने अच्छे से अच्छी सुविधाएं दे रखी थी, जो भी आप उनके लिए अच्छे से अच्छा करते थे, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और कहीं ना कहीं आपके परिवार को समझौता करना पड़ेगा। और देखा जाए तो वो समझौता करना नहीं चाहते लेकिन उन्हें मजबूरी है क्योंकि उनके पास पैसों का अभाव होगा, तो जब उनके पास पैसों का अभाव होगा तो उन्हें समझौता करना ही पड़ेगा। तो मेरा जो आपसे निवेदन है वो यही है कि आप इंश्योरेंस एडवाइजर को इंतजार ना करवाएं।